इसराइल हमास की जंग का 19वां दिन आज, अब तक दोनों तरफ से करीब 7,000 लोगों की मौत। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक गाजा में अब तक 5,791 फिलिस्तीनियों के मारे जाने की खबर, जबकि 16,000 से ज्यादा हुए घायल। इसराइली हमले में वेस्ट बैंक में अब तक 96 फिलिस्तीनियों की मौत, जबकि 1,650 लोग बुरी तरह से घायल। इसराइल ने मंगलवार की रात को भी गाजा शहर पर की बमबारी, हमले में कई बच्चे भी घायल, इंडोनेशियाई अस्पताल में भर्ती कराए गए। पीड़ितों का बयान, रात में खाना खत्म होने के बाद शुरू हुए हमले, बिजली गुल होने के कारण हालात और भी ज्यादा बदतर। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने गाजा में तुरंत सीज फायर की अपील करते हुए कहा, गाजा में हो रहा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा, 7 अक्टूबर को हमास का हमला अचानक नहीं था, फिलिस्तीन 56 साल से दमघोटू कब्जे का शिकार। हमास के पक्ष में गुटेरेस के बयान से भड़के यूएन में इसराइल के राजदूत एरजान, कहा उनका मन बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की सामूहिक हत्या पर नहीं पसीजता। इसराइल ने मांगा संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस का इस्तीफा, कहा वो पद पर रहने के योग्य नहीं। यूएन में ईरान के राजदूत का अमेरिकी विदेश मंत्री पर पलटवार, कहा हमास के हमले के लिए ईरान पर लगाए गए निराधार आरोप। ईरान ने एंटोनियो गुटेरेस के बयान का समर्थन किया, कहा हमास का अटैक शून्य में नहीं हुआ, गाजा में नरसंहार के लिए यूएस भी दोषी। यूएन में भारतीय प्रतिनिधि आर रविंद्र ने इसराइल हमास जंग पर जताई चिंता, भारत जंग में आम नागरिकों की मौत पर है चिंतित, कहा। आर रविंद्र ने कहा, नागरिकों की सुरक्षा हर किसी की जिम्मेदारी है। भारत ने गाजा पट्टी में भेजी 38 टन राहत सामग्री, संयुक्त राष्ट्र में भारत के उपस्थायी प्रतिनिधि आर रविंद्र का बयान। मुंबई रजा अकादमी के अध्यक्ष सैयद नूरी ने पीएम मोदी का शुक्रिया किया, फिलिस्तीन को राहत सामग्री भेजने के लिए धन्यवाद दिया। इजरायली बंधकों के परिजनों ने संयुक्त राष्ट्र के सामने रैली की, सभी बंधकों के लिए एकजुटता दिखाने के लिए रखे गए 200 जोड़ी जूते। सीरिया से रॉकेट हमले पर इजरायली फोर्स का ट्वीट, लिखा सीरिया की आर्मी ठिकानों और लॉन्च पैड्स पर की गई एयर स्ट्राइक, 50 बंधकों की रिहाई की कोशिश फेल, इजरायल का हमास की शर्तें मानने से इनकार, हमास ने फ्यूल सप्लाई की शर्त रखी थी। नरसिंहपुर जिले से नामांकन से पहले प्रहलाद पटेल ने पूजा की, गोटेगांव में की नर्मदा नदी की पूजा। बगासपुर में सत्य सरोवर आसन भी गए प्रहलाद पटेल, श्री बाबा श्री जी की समाधि पर पूजा की। किरण रिजिजू ने एक्सपोस्ट में कमलनाथ पर आरोप लगाया, लिखा कमलनाथ ने एक दलित महिला को आइटम कहकर मिजोरम और त्रिपुरा का अपमान किया। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान आज नर्मदापुरम में चुनावी प्रचार करेंगे, करीब 5 किलोमीटर लंबा रोड शो भी शुरू करेंगे। ओरछा में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जनसभा की, सीएम बोले मेरा एक ही संकल्प, आपका जीवन परेशानियों से मुक्त हो। मध्य प्रदेश में इंडिया गठबंधन को फिर झटका, समाजवादी पार्टी के बाद जेडीयू ने भी अपने 5 उम्मीदवारों की सूची जारी की। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 3 नेता बीजेपी में शामिल हुए, ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी में पार्टी की अध्यक्षता ली। उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक बोले इंडी गठबंधन कुर्सी के लालची लोगों का समूह है, मध्य प्रदेश में फिर जीतेगी बीजेपी। मध्य प्रदेश चुनाव में पूर्व आईएएस अधिकारी निशा बांगरे भी आजमाएंगी किस्मत, कहा विधानसभा चुनाव के लिए दाखिल करूंगी नामांकन। जोधपुर में अचानक सूर्यकांता व्यास के घर पहुंचे सीएम अशोक गहलोत, राजनीतिक गलियारों में अटकरों का बाजार गर्म। सूर्यकांता व्यास को इस बार बीजेपी ने नहीं दिया टिकट, 6 बार बीजेपी की विधायक रह चुकी हैं सूर्यकांता। राजस्थान सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का बीजेपी पर बड़ा आरोप, कहा बीजेपी के नेता मुख्यालय में बैठकर दंगा करने की रणनीति बनाते हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा पर फिर बोला हमला, कहा सवाल अडानी या चोरी का नहीं, देश को गुमराह करने और भ्रष्टाचार का है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का दावा, कहा हमें 5 राज्यों में जीत की उम्मीद है, हमारे लोग हर जगह कर रहे हैं काम। खड़गे ने कहा देश में भाजपा विरोधी लहर, मध्य प्रदेश के लोगों को शिवराज सिंह चौहान से समस्या, लोग उनके खिलाफ बोल रहे हैं। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा हमास और लश्कर ए तैयबा के साथ भी उद्धव कर सकते हैं गठबंधन। संजय राउत का सीएम शिंदे पर पलटवार, कहा जिस शिवसेना ने जन्म दिया उसी को कह रहे हैं हमास, बीजेपी ने शिंदे के दिमाग में गंदगी डाली। महाराष्ट्र में नेता विपक्ष विजय वेटिटीवार का सीएम शिंदे पर पलटवार, अभी चुनाव करवा लें पता चल जाएगा कौन ओरिजिनल कौन डुप्लीकेट। जयराम रमेश की एक्सपोस्ट, लिखा अंबुजा एसीसी के बाद ओरिएंट सीमेंट खरीदने जा रहे अडानी, मोदी मेड मोनोपोली में बढ़ेगी महंगाई। गुजरात के साणंद पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह, कई विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, लोगों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को समस्याओं को जल्द दूर करने के निर्देश दिए। अखिलेश यादव ने एक्सपोस्ट पर सांड को लेकर कसा तंज, लिखा भाजपाई मंत्री जी ये देखकर बहुत हुए हैरान, मेले में जब जा पहुंचा सांड करने उन्हें प्रणाम। शरद गुट के नेता रोहित पवार ने भगवान शिव का किया जलाभिषेक, महाराष्ट्र में शुरू की युवा संघर्ष यात्रा। सीएम शिंदे को महाराष्ट्र बीजेपी चीफ का मिला समर्थन, बावन खुले बोले उद्धव को लेकर सीएम शिंदे बिल्कुल सही कह रहे हैं।
गवर्नर से मिलने के बाद बोले पंजाब बीजेपी चीफ जाखड़, बलविंदर कौर को न्याय और सहायक प्रोफेसर को दे नियुक्ति सीएम मान। फरीदाबाद में बेटी का फोन नंबर नहीं देने पर युवकों ने पिता के साथ धक्का मुक्की की, गिरने से बेहोश हुए पिता, अस्पताल में मौत हुई। महाराष्ट्र के सतारा के कराड़ में एक घर में ब्लास्ट हुआ, 6 लोग घायल, बाहर खड़ी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। गुजरात के अरावली में एक केमिकल फैक्ट्री में आग, केमिकल के 60 से ज्यादा टैंकर जलकर खाक, दमकल की 10 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। मणिपुर पुलिस ने काकचिंग इलाके में चलाया तलाशी अभियान, हथियार और गोला बारूद बरामद। ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को GST का नोटिस, 1,00,000 करोड़ रुपए का नोटिस जारी किया। मुंबई में BMC ने मरीन ड्राइव में लगाई डस्ट सप्रेशन व्हीकल, प्रदूषण के कारण धुंध की परत दिखने के बाद एक्शन। गुजरात के द्वारका पहुंचे मुकेश अंबानी, बेटे अनंत अंबानी के साथ द्वारकाधीश मंदिर में की पूजा अर्चना।